राजस्थान में बार बार सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, पुलिस के रोल पर, उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिनको मृत व्यक्ति के भाई ने, चश्मदीद गवाह है जो हत्या के, तीन नाम बताए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी को लेकर वहां पर पूरा बवाल है कि न्याय नहीं हो रहा है, फिर इसमें बीजेपी और आरएसएस का हाथ कैसे हो गया? ये सवाल मुझसे? सलीम इंजीनियर जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी, मगर आपने मेरा नाम नहीं लिया कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं। मैं जूम पर हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको प्रोग्राम, लेकिन ये आवाज आ रही है। हाँ। क्या आप मुझसे रिएक्शन चाह रहे हैं? मैं ये रिएक्शन चाह रही हूँ कि आखिर बीजेपी आरएसएस का हाथ इसके पीछे है, ये बार बार आरोप लग रहा है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, लेकिन सवाल तो पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस अगर सही जो आरोपी है, जिस जो मयंक भाई है मृत व्यक्ति का, वो आरोप लगा रहा है, उन्हें पकड़ ले तो अपने आप न्याय की बात हो जाएगी। लेकिन पुलिस इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को पकड़ रही है, जिसको लेकर ये नाराजगी है। बहुत शुक्रिया आपको। आधा घंटे के बाद ये मालूम हुआ कि मैं भी आपके पैनल में शामिल हूँ, और शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो पहली बात तो ये बहुत चिंता की बात है, अफसोस की बात है, और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए बिल्कुल होनी चाहिए, कि जो कुछ भिलवाड़ा में अभी ताजा हुआ है और हमारे जिस भाई की हत्या हुई है, चाहे वो जिस धर्म का भी हो, वो एक हत्या है और वो एक अपराध है, और पुलिस को उसके खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ भी सबूत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को लगना भी चाहिए, और खासतौर से पीड़ितों को लगना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घटना जो है ये बहुत ही निंदनीय है, और जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, और ये कानून व्यवस्था का मामला है, और इसको पुलिस को सख्ती से लेना चाहिए, और जिनको शिकायत है उनकी शिकायत भी पुलिस को सुननी चाहिए। अगर पुलिस को से किसी को शिकायत है तो वो जरूर सुननी चाहिए और उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन मैं जो बात अब कहना चाह रहा हूँ वो जरा अंजना जी मुझे आप 1 मिनट का वक्त और देंगे, और वो ये कि ये आखिर ये घटनाएं आखिर सांप्रदायिक कैसे हो गई और इसमें समाज कैसे शामिल हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ बैठकर लोग फैसले सुना रहे हैं कि फला ने कत्ल कर दिया, फला ने ये कर दिया। यहाँ फैसला तो अदालत करेगी और जांच करेगी, आप बता सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, मगर यहाँ कुछ लोग जो है वो फैसला ही सुना रहे हैं। और फिर ये देख रहा हूँ मैं कि आपने राजस्थान को लेकर आज ये डिबेट कराई है, बहुत अच्छा है। राजस्थान के बारे में भी आपकी चिंताएं कुछ ज्यादा हैं, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में भी हुआ, पिछले दिनों एमपी में भी हुआ, और गुजरात में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, कर्नाटक में भी पहले होता रहा। तो ये पूरे देश में एक किस्म का माहौल, और खासतौर से अभी जो रामनवमी का त्यौहार गुजरा है उसके वक्त तो एक लगातार पूरे देश में ये घटनाएं हुई हैं। तो मुझे साफ तौर पर ये लगता है कि ठीक है, जो जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ आरोप हैं, चाहे वो हथियार लेकर रैली निकालने के आरोप हों, या नारे लगाने के आरोप हों, या किसी के खिलाफ पत्थर फेंकने के आरोप हों, मुझे लगता है कि इसको सांप्रदायिक, इसको कानून व्यवस्था स्थिति को जो है कंट्रोल करना, ये सरकारों और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी के बारे में साफ तौर पर कहा है कि इसमें पुलिस की नेग्लिजेंस है, जो दिल्ली जहांगीरपुरी में हुआ, और पुलिस वक्त पर कार्रवाई करती तो वैसा नहीं होता। और मैं राजस्थान के बारे में भी कह सकता हूँ कि करौली में जो घटना हुई है उसमें भी पुलिस का नेग्लिजेंस है, और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां पर 50 से 55 दुकानें जलाई गई हैं, और दूसरे हर दोनों धर्मों की, कुछ लोगों की दूसरे धर्मों की दुकानें भी जली हैं, और एक जुलूस निकला है मस्जिद के सामने जाकर, बाकायदा सब चीजें हुई हैं, सब चीजें हैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये पूरा राजनीति के लिए, और ये जो कुछ कराया जा रहा है, कौन कराता है दंगे, और कौन मंसूबा बनाता है, और कौन एक्सपर्ट है दंगा कराने का, और किसकी नीति है दंगा कराने की, और दंगा करा के कौन राजनीतिक फायदा उठाता है, ये देश अब जान चुका है। और मुझे लगता है कि ये अभी जो कुछ हो रहा है ये भी इलेक्शन का एक प्रचार है, ये जो कुछ डिबेट भी हो रहा है, और जो कुछ करा रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन प्रचार है, और हाँ, ये इलेक्शन का प्रचार है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। ये कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है,
चुनाव के लिए हो रहा है, सुप्रिया जी भी कह रही हैं। जो लोग मुंबई बम कांड के नहीं, जो नहीं ठीक है उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। जो लोग मुंबई के बम कांड के अभियुक्तों को कहें ये निर्दोष है, उनको लीगल मदद पहुंचाएं, जो कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को निर्दोष कहें और उनको कानूनी मदद पहुंचाएं, जो जुलाई 2006 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों, ऐसे में कम से कम 15-20 विस्फोटों की घटनाएं दिखा सकता हूं जिसमें लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दाऊद इब्राहिम गिरोह, इन्होंने जो बम कांडों को अंजाम दिया उनको भी निर्दोष कहा, जो लोग अफजल गुरु को भी निर्दोष कहते हैं, जो लोग बारंबार जो है अजमल कसाब के पक्ष में भी माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, वो बारंबार जो है दंगे भड़काने का आरोप लगा किस पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर। भाई आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, चाहे वो करौली की घटना हो, करौली की घटना में सामने वीडियो फुटेज है कि मस्जिदों में पत्थर जमा किए गए, पेट्रोल बम जमा किया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने भेजा था, ऐसा कोई जांच में आपके आया है क्या? जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगा होता है, 15 अप्रैल की वीडियो फुटेज आज तक ने भी दिखाया है कि मस्जिदों की छतों पर जो है एक रात पहले ही सामग्री जमा की जा रही थी जिससे दंगा किया जा सके। आप इसी तरह से जोधपुर में होता है, जयपुर के तनाव के पीछे भी इसी तरह के कारण दिखाई देते हैं। अब यहां पर विधायक साफ कह रहा है भीलवाड़ा में कि वो जाकर एसपी को आगाह कर रहा है कि कुछ शरारती तत्व यहां पर हत्या जैसी घटनाएं करके तनाव फैला सकते हैं। हत्या हो जाती है, उसके बाद हत्या हो जाने के बाद नामजद अभियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद भी आप किसी को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप शांत हो जाओ। तो भाई क्या लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में जो पीड़ित है उसको अपने स्वर को प्रशासन तक और देश तक पहुंचाने के लिए आप वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? दूसरों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, दूसरों को तो अगर मान लीजिए शाहीन बाग में अवैध निर्माण कोई तोड़ने जाए तो वहां पर दंगे भड़काने के लिए भाषण करने का अधिकार है, जहांगीरपुरी में जो है सुप्रीम कोर्ट में दौड़ने का, सियापा करने का सारा अधिकार है। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी और अभियुक्तों को सुनियोजित ढंग से बचाने का जो प्रयास दिखाई दे रहा है उस पर भी उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को ही सारे संवैधानिक अधिकार है, हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। ये इनकी सोच हो सकती है लेकिन इस संविधान और इस देश की व्यवस्था नहीं हो सकती। जवाब दीजिए सुप्रिया जी। मैं कुछ करबद्ध चीजों से दबाव दे देती हूं। 2016 में दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई आई, बेधड़क होकर घूमकर चली गई। किसने परमिशन दी? केंद्र की इनकी सरकार ने और तत्कालीन भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने। अजहर मसूद को आराम से गाड़ी में बिठाकर पुचकार कर छोड़ने वाले कौन थे? भाजपाई। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर पहली बार देश में विवेचना कराने वाले कौन थे? भाजपाई मोदी सरकार। सैफुल्ला एक नामी टेररिस्ट था, उसको किसने टिकट दिया जेल से निकालकर? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में। आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किसने चेहरा बनाया कश्मीर में? भाजपा ने, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन वो सुप्रिया जी कह रहे हैं कि जब आप लोग शासन में थे तो हर जगह आपको भगवा आतंकवाद दिखता था। एक मिनट, उनका जो सवाल था उस पर भी आइएगा। आपको हर जगह भगवा आतंकवाद दिखता था, सब एजेंडे से काम करने दीजिए जी। रूबेन शेख को किसने बनाया? हाँ ठीक है, अभी बताऊंगी, पहले इनकी इनकी पोल खुलने दीजिए थोड़ी। रूबेन शेख को किसने बनाया माइनॉरिटी का अध्यक्ष? भाजपा ने। तो आप यहां पर बैठकर मुझे राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाइए। आप वो लोग हैं जो टेररिस्ट को जाके घर छोड़कर आते हैं, टेररिस्ट को टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बॉर्डर से टेररिस्ट को लाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाते हैं। यहां पर बैठकर 53 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया हमारा तिरंगा, वो बैठकर मुझे राष्ट्रवाद पर पाठ पढ़ाए, वो मैं नहीं सुनूंगी।